हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं सिराज के पास हूँ। तो अभी सिराज के पास क्या क्या गप्पी का स्टॉक है देख के अपन बात करेंगे। तो चलो सिराज बोलो, सबका अभी प्रेजेंट अपना लोकेशन बोलो और प्रेजेंट क्या क्या अवेलेबल है वो भी बोलो। लोकेशन आके जगतगिरी गुट्टा मखदूम नगर कोकटपल्ली का हैदराबाद। तो अभी स्टॉक क्या है अपने पास? अभी प्रेजेंट स्टॉक कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सेल के लिए तो नहीं है। बेटास में वाले तो है, अभी गप्पीस में तो अभी बच्चे है पूरे। अच्छा ठीक है। अभी आई मीन अभी आपके पास जो है पूरे ब्रीडर्स है? हाँ, पूरे ब्रीडर स्टॉक है। तो ब्रीड स्टॉक है पूरा। तो चलो देखेंगे आप अभी प्रेजेंट सिराज के पास क्या क्या ब्रीड स्टॉक है। तो ये टबों में क्या है, ये फर्स्ट टब से स्टार्ट करेंगे? तो खाली एम्प्टी है अभी, तो उसमें थोड़े फीमेल से निकाल लिया अभी, देखना। अच्छा हाँ। और इसमें जो है अपना रेड रोज का ब्रूड स्टॉक है, ब्रीडिंग चल रही है इसमें। और ये हाफ मून डम्बो है, प्लैटिनम डम्बो है। तो तुम ब्रीडिंग के वास्ते कितने कितने यूज करें? मैं मेल्स कितने के पास ऐसा काउंट कुछ भी सारा नहीं रहता भाई, पर्टिकुलर बोलते हैं कैसा भी डाल ले सकते, लेकिन अपन फीमेल्स जो है थोड़ा मेल से ज्यादा डाल। अच्छा तो अभी एक जना पहले वन पेयर ही लेता, तो उसको क्या सजेशन दे रहे आप? वन पेयर बोलते हो, बिगिनर है वो, तो वन पेयर लेना तो मैं सजेस्ट नहीं करता मैं किसको भी। अगर उन्होंने प्रोफेशनल ब्रीडर है ऐसी बोले तो बहुत अच्छा खासा उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है बोले तो ले सकते हो। तो यूजुअली ब्रीडिंग के वास्ते कितना लिए तो बेस्ट है? एक पेयर में क्या होता बोले तो कभी कभी मेल फर्टाइल नहीं रहता, फीमेल फर्टाइल नहीं रहता, लड़ ले रहे। तो मेल की क्वांटिटी बढ़ गई तो ये एक प्रॉब्लम है, मेल लड़ने के चांस रहते हैं। और थोड़ा बहुत कटिंग फिंस कटिंग कर लेते नहीं मरे तक तो नहीं लड़ते, फिर लड़ ले रहे। तो इन लोग की फाइट फाइट होने का रीजन क्या है मेन? इन लोगों की फाइटिंग कुछ भी नहीं, ऐसी फीमेल्स के लिए लड़ लेते मेल्स, और कभी कभी फीमेल्स भी जो है मेल्स को उल्टा अटैक कर देते। अगर तो ज्यादा चेज करे तो गप्पीस में भी फाइटिंग होते रहता है बेटा के सर का। गप्पीस फाइटिंग नहीं करते, सोचना नहीं कभी भी। तो चलो ठीक है, अभी एचबी रेडरोस जो है पकड़ के बताएंगे अपन। तो ठीक है, देखो पकड़ लिए हम गप्पीस को। तो ये एचबी रेडरोस के ब्रीडर स्टॉक है। तो इन लोग का एज क्या बोले थे आप? अपन ये देखो 3 months एबव नहीं बोल सकते, 3 months से कमी से और इनका एज। हाँ, तो ये बाहर से लेके ऐसे हुए ना, तो अपने जुवेनाइल साइज है। जब अपन ब्रीडिंग को डाले बोले तो 3 months बिलो रहता है इनका। राइट, तो ये पूरे अपने घर के उम्रेड है। तो इन लोग के पेरेंट्स अपन एक ही पेयर लिए थे शायद ना? हाँ, एक ही पेयर। तो एक पेयर से जो है ब्रीडिंग स्टार्ट करे थे हम एसबी रेड रोज का। तो अभी कितने बहुत सारे पेयर है अपने पास अभी। इन लोग के फ्राइस निकले या नहीं निकले अभी? फ्राइस नहीं निकले अभी ये जूनियर साइज के हैं इनके। तो खाली एक ही एक फीमेल बच्चे निकाली अभी प्रेजेंट। अच्छा, तो ये बैच में से? हाँ, एक 10 बच्चे ऐसा निकाली। और इनकी क्वालिटी भी देख सकते हैं आप, जरा इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी कम हो गई, पहले से और बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन अभी जो है समर सीजन चल रहा ना। हाँ, उसकी वजह से फिन्स जो है पूरे चिपक गए ला के। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अभी प्लैटिनम हाफ मून बताएंगे अपन। और अपने पास प्लैटिनम का नॉर्मल लाइन भी था ना? हाँ, नॉर्मल लाइन भी है ना अभी। तो नॉर्मल लाइन भी अपने पास अभी हल्लू रेडी हुआ, स्टॉक नहीं है, खाली बच्चे है वो पूरे। हाँ, तो यहाँ पे अपने पास बेटास भी है। तो ये पूरे फीमेल्स है इसमें, अवतार के और कोई गैलेक्सी के ऐसे कुछ डिफरेंट स्ट्रेन के फीमेल्स है। तो ये पूरे जो है जेंट्स है इसके। तो आपके पास कुछ जेंट मेल ऐसा कुछ है बोले तो लेके ब्रीड कर सकते आप। एंड इन लोग के प्राइजेस तो अभी मैं बताऊंगा वीडियो पे, आप पर्सनली कांटेक्ट करिए मैं बता दूंगा। एंड इसमें प्लैटिनम के नॉर्मल लाइन के प्राइस है। तो देखो अभी हाफ मून भी पकड़ लिया सिराज, तो हाफ मून प्लैटिनम डम्बो है ये। तो इन लोग का एज क्या बोले थे आप? इन लोगों का 4 months रहता है। तो देखो ये 4 months ओल्ड के, एंड इन लोग का फिनिश थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है। एक मेल हाईलाइट है, ये जरा इनकी क्वालिटी जो है कम हो गई। तो रीजन क्या होगा इसका? सर रीजन वही सीजन की चेंज की वजह से, जरा समर सीजन चल रहा है ना, उसके से वाटर का टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग होते रहा। हाँ, तो कुछ टिप्स बता सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के वास्ते? क्या टिप्स? समर में कैसा रखना? समर में देखो अभी कूल टेम्परेचर में रखना पड़ता है, इंडोर में रखे तो भी क्या है गर्म हो रहा वाटर कैसा भी, तो अपन कूलर लगाना ना बेस्ट है। अभी बहुत शॉप वाले भी ऐसी कर ले रहे। हाँ, कूलर लगा ले रहे फिशेस के लिए। तो कूलर तो एक, एक एक दो फिशेस हो तो चल जाता, लेकिन अगर ज्यादा फिशेस है बोलते उनकी क्वालिटी ये ऐसी रहना बोले तो लगा लेना। तो शेड पे लगाए तो अच्छा है। हाँ, शेड लगा ले तो अपन शेड पे लगा रहे। हाँ,
मगर फिर भी गर्म हो रहा वाटर। अपन के पास बेटा सर्वाइव नहीं कर, तो इसमें भी नॉर्मल लाइन के फ्राइज है। तो अभी प्रेजेंट नॉर्मल लाइन, अच्छा इसमें मेल फीमेल अलग कर दिए क्या नॉर्मल लाइन के? नहीं नहीं थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा थे, डिवाइड करे बस ये पूरे। तो यहाँ देख सकते हैं, तो टैंक का वाटर पूरा ग्रीन हो गया। नहीं नहीं टैंक का वाटर ग्रीन नहीं हुआ, तो टैंक ग्रीन हुआ, वाटर तो फ्रेश ही है। अच्छा रखा है अभी धोने का टैंक का। तो एरिएशन इसमें ऑफ कर दिए। और अपने पास गैलेक्सी और अभी दो स्ट्रेन्स के भी ब्रीडर्स है। इसमें मेटल ब्लैक के, मेटल ब्लैक भी पकड़ लो जरा। तो ये देखो मेटल ब्लैक के पेयर है, ये मैंने ट्रायो शायद, एक मेल कितने फीमेल्स है इसमें? एक मेल फोर फीमेल्स। अच्छा एक मेल फोर फीमेल्स, मेरे पास क्वांटिटी तो ज़्यादा नहीं थी ना मेल्स। अच्छा मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, तो एक मेल से जो है फोर फीमेल्स को ब्रीड हो रहा है यहाँ पे। थ्री फीमेल्स। तो देखो ये मेटल ब्लैक के है, तो ये भी ये जो भी मैं ब्रीडर्स बता रहा हूँ ये पूरे कौन से भी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, खाली जस्ट शोक करा रहा हूँ आपको। चलो छोड़ो। और अपने पास अभी एक स्ट्रेन है गैलेक्सी ब्लू टेल करके, तो ओवर टेल रहता है उसका। हाँ, वो अभी बच्चे निकालने के वास्ते जो है, बच्चे बोले तो नहीं खाना बोल के सिरा देखो ऐसा एक आइडिया बना लिया इन्हें, इसलिए डब्बा में छोड़ रहा, बच्चे बाहर आ जाते ये होल्स के अंदर से। तो ये देखो गैलेक्सी ब्लू टेल इसका पकड़ो। तो इन लोग का एज क्या है? इन लोग सेम एज है, ये जूनियर से इतनी। तो नियर बाय या तो नियर बाय 2-3 मंथ्स के ही है। अभी टेल अभी बहुत बढ़ता है इन लोग का। हाँ अभी बॉडी साइज भी बढ़ता है। हाँ तो बॉडी साइज टेल साइज जो भी पूरे पूरे जो है बढ़ने वाले हैं इन लोग के। एंड इसमें कितने फीमेल्स है अपने पास? अपने पास 3 फीमेल्स 3 मेल्स। अच्छा तो इन लोग का काउंट जो है एग्जैक्ट है 3 मेल्स 3 फीमेल्स। अभी मेल्स इसके इसमें जो है क्वांटिटी मेल्स की ज़्यादा निकली। अच्छा तो इसमें फीमेल्स की क्वांटिटी कम और मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा निकली। तो ऐसा कुछ रीज़न है मेल ज़्यादा निकलने का और फीमेल ज़्यादा निकलने का? नहीं अपन कुछ नहीं कर सकते सर। हाँ तो ज़्यादातर F1 बैच में जो है बराबर क्वांटिटी। हाँ मैक्सिमम मैं भी बहुत बार ऑब्जर्व किया हूँ, मैक्सिमम मेल फीमेल एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट पेयर्स निकलते, एक बार अप एंड डाउन होगा लेकिन मैक्सिमम तो एग्जैक्ट निकलेंगे। तो चलो ठीक है छोड़ दो। तो एक ही टब में जो है इसमें बकेट में मेटल ब्लैक है और इसमें जगह की शॉर्टेज है ना। जगह की अभी चेंज होने वाला है, सेटअप पूरा चेंज कर दे तुम्हें जरा, ब्रीडिंग बॉक्सेस ब्रीडिंग के जाना। तो ये सेटअप के बारे में बताओ जरा। कौन सा? ये देखो इसमें थोड़े फ्राइज बचाया उन्हें वैसा करके। पूरे नहीं पूरे बच जाते, कितने फ्राइज निकले रहते? 10-15 रहते। 10-15 कौन से कौन से स्ट्रेन के? कम बच्चे निकाले। ये कौन से स्ट्रेन के? ये HB रेडरोस कॉलिडोर सर। राइट HB रेडरोस जो मैब्रिडर्स बताया था उन लोग के प्राइस है। तो ये तो बेटास है और ये बेटास अपना ही होम रेड है ये अवतार के। तो आपके पास कुछ भी जेंट के कुछ भी स्ट्रेन है तो उसे ब्रीड करा सकते हैं। फीमेल्स बहुत बड़े बड़े साइज के है, पूरे एडल्ट और पूरे इंक्लूडेड है। तो ये है तो और इसमें क्या है? इसमें प्लैटिनम नंबर है नॉर्मल लाइन के बच्चे, तो नॉर्मल लाइन के। हाँ तो इसमें इसमें डिवाइड कर दिए गए रखे सोया। इसमें वाटर तो क्लाउडी है। हाँ ये ज़रा चेंज करने का। तो चलो ठीक है मैं फिर से बताऊंगा इसमें का। और इसमें ऐसा अपना सेल से जो लास्ट में स्टॉक बच जाता है। अच्छा तो ये सेल नेक्स्ट दिन ब्लूटेल ही है लेकिन थोड़ा डिफेक्टिव पीस है। तो ये बचपन से आई मीन बाय बर्थ ये डिफेक्टिव था। ये क्या है टेढ़ा टेढ़ा स्विमिंग करता, मगर नाइट में जो है सेट हो जाता है, नाइट में स्ट्रेट हो जाता, डे में थोड़ा ऐसा हो जाता। इसका रीज़न क्या है हमारे को भी नहीं मालूम, मगर पीस तो बहुत अच्छा है। तो चलो ठीक है, तो आप में से किसी को ऐसे गप्पीस चाहिए तो अपने को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और अपने पास लाइव फीड भी रहता है, लाइव फीड भी बताएंगे। चलो पहले लाइव फीड बता लेंगे। तो ये देखो अपने पास मोइना आई है पूरा। तो ये अपने पास कल्चर का रेसो है, तो कल्चर का सेटअप जो है यहाँ पे नहीं है, दूसरा लोकेशन पे रहता, तो वहाँ से जो है हार्वेस्ट कर लेके यहाँ पे लाके फीड करते हम।
ये पूरा मोइना है। तो ये मोइना क्या होता इसके बारे में जानना चाह रहे बोले तो अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है इसके ऊपर, बेस्ट फीड है। तो अभी जो भी अपने पास गप्पीज या बेटा से उन लोगों को बोरों को यही फीड डालते हैं। तो छह लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।